हेलो गेमर्स, वेलकम हो गया आप सभी लोगों का एक और वीडियो के अंदर कार पार सेल सिमुलेटर 2023। तो कल की वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे शो हो रही है, वहां जाकर देख सकते हैं। और बाकी आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है 15,000, और कल की वीडियो में हमारे पास स्टार्ट में थे 7,000, लेकिन आज हमारे पास 15,000 है, उससे डबल से थोड़ी ज्यादा मनी है हमारे पास। तो आज हम चलते हैं नेबरहुड में, वहां चल के कोई अच्छी अच्छी गाड़ियां करते हैं इकट्ठी, और आकर हम अपने गैराज में आकर सेल करेंगे, ऑफिस भी आकर। तो मैं इस गेम के अंदर जल्दी से जल्दी 1 लाख करना चाहता हूँ, 100K करना चाहता हूँ हमारे पास डॉलर, और उसके बाद हम बहुत ही ज्यादा बढ़िया बढ़िया सुपर कार्स और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें लेने वाले हैं। तो जल्दी से चलता हूँ नेबरहुड में, फिलहाल तो शोरूम के अंदर हूँ मैं, और यहाँ से शोरूम से निकल रहा हूँ, शोरूम क्लोज कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास सेल करने को है नहीं, क्योंकि कस्टमर का वेट करे कोई कस्टमर आकर। तो फौरन से नेबरहुड की तरफ चलते हैं, आई थिंक नेबरहुड नहीं पहुंचे कि हम, हाँ पहुंच गए, सॉरी मुझे लगा कि मैंने किसी और क्लिक कर दिया। खैर पहले तो इस वाले बंदे से जाकर पूछते, कल ये गाड़ी बहुत महंगी दे रहे सर, आप आज कितने की दे रहे हो? 13,500 की। यार इस गाड़ी के अंदर क्या, मैं इस बंदे को 12,000 बोलता हूँ, अगर ये 12,000 में मुझे देता है ना तो मैं यही गाड़ी लेकर वापस चला जाऊंगा यहीं से। तो इस बंदे से हमारी डील नहीं बन सकी क्योंकि ये पैसे बहुत ज्यादा मांग रहा था, और हम इतने पैसे नहीं देना चाहते। हम स्टार्ट के अंदर जो गाड़ी लेना चाहते हैं वो सस्ती से सस्ती गाड़ी लेना चाहते हैं, उसे महंगी करके सेल करना चाहते हैं, और इससे हमारे जो स्किल पॉइंट है वो इंक्रीज हो गए। तो ये गाड़ी कितने की? अबे 20,000 की। ये कौन सी गाड़ी है यार, सामने से इसकी हेडलाइट तो वो डोरजी इस तरह आ रहा है, कोई डोरजी का ओल्ड वर्जन जैसे होता है, लेकिन उसका भी इससे अच्छा ही होता है। खैर ये कोई, ये कौन सा मॉडल है, अजीब अजीब से मॉडल के नाम है, 76, तेरी खैर भाई 76,000 की दे रहा है गाड़ी ये वाला बंदा, बहुत महंगा। यार ये वाली जो गली है ना जहाँ से हम इंटर होती है अपने बस पकड़ कर, वो बहुत महंगी है। ये सेट वाली जो गली है ये थोड़ी सस्ती है, यहाँ से कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती है, सस्ते में मिल जाती है। तो अभी मैं ढूंढता हूँ गाड़ी और देखते कौन सी गाड़ी मिल जाती है। ये गाड़ी खड़ी है, वैन खड़ी है, शायद वैन हमें मिल जाए कोई अच्छी प्राइस में हो तो हम ले लेंगे। बाकी वो 53,000 की, यार ये भी बहुत महंगी है। हमारे पास सिर्फ 15,000 है और गाड़ी बहुत महंगी में मिल रही है, बस उम्मीद कर सकते हैं कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए, जल्दी मिल जाए हमें, ताकि गेम के अंदर हम जल्दी से जल्दी अमीर बन सके। और जैसे जैसे हम अमीर बनते जाएंगे हमारी स्किल्स पॉइंट इंक्रीज होते जाएंगे। हमारे ये 10,000 की गाड़ी मिल रही है तो मैं इससे बार्गेन करता हूँ और इससे मैं ऑफर करा देता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट में 9,000 की करवाता हूँ। यार अगर 9,000 की करवाओगे तो ये बोलेगी कि इसके पास पैसे है, 85,000, देखते 85,000 में कैसे कहती है। नो आई थिंक 85,000, 9,000 मैम, 9 में तो ले लो ना। आई थिंक अबाउट, आई थिंक लो, अभी वो बोल रही है लो प्राइस है, तो मैं 95,000 कर सकता हूँ यहाँ पर, 9,500, सॉरी 1,000 बोल दिया मैंने। यार उसने रिजेक्ट कर दी यार, ऑफर रिजेक्ट कर करी जा रही है, वो 10,000 मांग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ना 10,000 दे ही दे यार इसे, क्या याद रखी यार, 10,000 मांग रही है, 10,500 मांग रही है, और आई थिंक से मान जाएगी, आई थिंक से मान जाएगी, यस नहीं, हाँ 10,000 में मान जाएगी, मान जा 10,000 में यार, ले जा। अभी हमने ये वाली गाड़ी ले ली है, नाम इसका पता नहीं क्या है, अजीब सा नाम है, लेकिन खैर इसके अंदर फ्यूल कम है और डर्टी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो फ़ौरन से इस गाड़ी को हम अपने शोरूम पे लेकर चलते हैं, और रात भी हो चुकी है और गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ, अंदर से इंटीरियर दिखाना था आपका, मैं आपको मैंने, लेकिन अभी तो रात है तो मैं हाई बीम ऑन कर लेता हूँ गाड़ी की। तो इस गाड़ी का साउंड है ना जो, ये बहुत ज़्यादा है। बाकी चलता हूँ मैं अपने गैराज के अंदर, और सबसे पहले रात के टाइम इस गाड़ी को हम रिपेयर करवा लेते हैं, और बाद में सुबह को हम इस गाड़ी को सेल करेंगे। तो गाइज मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया, क्यों ना हम यहाँ पर अपनी रात गुजार ले, क्योंकि हमारा वैसे भी घर यही है, और मैं अपनी गाड़ी को यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, मतलब पीछे पार्क करता थोड़ा सा, इस जगह पर गाड़ी को कर देता हूँ पार्क, इंजन ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से गाड़ी से एग्जिट करके हम यहाँ पर अपनी रात गुजार लेते हैं अपने घर में, और बाकी सुबह को उठकर हम गाड़ी को लेकर जाएंगे यहाँ से। तो फाइनली गाइज सुबह हो चुकी है और मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ से निकलने वाला हूँ। अभी इंटीरियर आपको मैंने बोला था दिखाऊंगा, तो ये रहा इसका इंटीरियर, कुछ खास तो नहीं है, लेकिन खैर चलते यहाँ से निकलते हैं फौरन से शोरूम के ऊपर, और गाड़ी को रिपेयर का काम थोड़ा है, लेकिन इस गाड़ी को जो है ना काम मतलब इस गाड़ी डर्ट काफ़ी ज़्यादा है इस गाड़ी के ऊपर। ओ माय गॉड गाइस, अभी मैं यहाँ से गुजरा तो मैंने एक चीज़ चेक की है यहाँ पर, एक मिनट, एक मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो कार मार्केट ओपन है, और कार मार्केट में कौन कौन सी गाड़ी है, एक मिनट मुझे उतर के जाना पड़ेगा यहाँ से, और इस साइड पर तो सस्ती सस्ती खड़ी है। ये करो भाई साहब, फरारी है क्या? फरारी, हेलो अवेंटाडोर कौन सी है भाई, जल्दी बोलो। लैरी F30। ओ यार ये बहुत ही अजीब सा मॉडल है, ये हमने नहीं लेना, हमको सस्ता ही देख लेते हैं गाइस, यहाँ पर सस्ती ये वाली, ये तो बहुत महंगी होगी ना, तो अभी कोई सस्ती जीप चीप। हाँ डिलीवरी ट्रक है आपके पास, यार कितने का दे रहे हो? तो ये भी 26,000 का दे रहा है,
तो आई थिंक यहाँ से जो गाड़ियाँ मिलती है ना वो सस्ती मिलेगी, गाड़ी मिलनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कोई डैमेज नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो 8,000 की दे रही है यार। ये भी यार हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम फिर कभी यहाँ पर आएंगे, हमारी पास से अभी तक बाहर है ये काम जो है। तो अभी हम गाड़ी के अंदर इंटर होते हैं और चलते हैं, गाड़ी ऑन हो जाए बस। तो फाइनली गाइज मैं अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच चुका अपने शोरूम के सामने, बस यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को रिपेयर करवाना है, तो उसके लिए यहाँ पर ऑटो रिपेयर पे चलती है। और ये साइड पे क्या है, ऑटो इलेक्ट्रिक, अच्छा ट्यूनिंग वगैरह, इसी जगह पर हम करवा सकते हैं अपनी गाड़ी की। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दो गाड़ियाँ लगी हुई है, तो वेट करते हैं इन गाड़ियों के निकलने का और फिर हम अपनी गाड़ी का काम करवाएंगे। क्यों ना मैं सोच रहा हूँ इस वाली गाड़ी को ना हम गाइस थोड़ा सा अपग्रेड करके हम सेल करें, लाइक डैमेज भी है इसका, पेंट भी ख़राब है। और मैं काम करता हूँ डैमेज पहले तो हम इस गाड़ी को रिपेयर करवाते हैं, क्योंकि 100% ये गाड़ी जो है ना वो रिपेयर होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है। तो इंजन में यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ और यहाँ पर इसे रिपेयर के लिए दे देते हैं। तो अभी रिपेयर हो रही है गाड़ी हमारी, वेट करते हैं हम यहाँ पर। तो गाइस 1 मिनट लगा सिर्फ हमारी गाड़ी रिपेयर होने में, और जल्दी से हमारी गाड़ी हो चुकी है रिपेयर। और यहाँ पर गाड़ी के अंदर हम इंटर कर देते हैं यहाँ पर, और गाड़ी को हम पेंट भी करवाएंगे और इसकी थोड़ी बहुत ट्यूनिंग भी करवाएंगे, लेकिन ट्यूनिंग तो नहीं, खैर रिपेयर करवाएंगे इस गाड़ी को, पेंट पेंट इस गाड़ी का चेंज करवाते हैं। और अभी चल कर देखते हैं कौन सा पेंट करवाए। अभी पेंट पे पहली गाड़ी, तो हमारी तरफ देख कर गाड़ी वो रिमूव कर ली उन्होंने अपने आप ही। तो यहाँ पर गाड़ी का इंजन ऑफ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। तो मैंने अपनी गाड़ी को करवा लिया पेंट, और अभी आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ बाहर से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी लग रही है, आप लोग ज़रा चेक करो। मैं यहाँ से भी बाहर निकाल देता हूँ, रुकूँ दो मैं इस कैमरा के पीछे रहने दूंगा, अभी ये चेक करो गाइस। ओ माय गॉड गाइस चेक करो, मज़ा आया क्या नहीं आप लोगों को ये बताओ, बस चेक करो गाड़ी को। अब इस गाड़ी के ऊपर थोड़ी सी डस्ट है, तो हम वो भी अभी क्लियर कर लेते हैं। गाड़ी को हम लेकर चलते फ़ौरन से यहाँ पर हम इसे वॉश करवाने के लिए, और गाड़ी को वॉश करवाते हैं अपनी को। वैसे तो डस्ट उतरनी चाहिए क्योंकि हमने पेंट करवा दी गाड़ी, लेकिन फिर भी हमें गाड़ी को अपनी को करवा लेते हैं यहाँ पर वॉश। गैस स्टेशन पहुँच चुका हूँ मैं, वो बच्चा बस लगे ना, बस आराम से एक दम मुझे चलानी पड़ेगी यहाँ से। और ये हमारी गाड़ी ऊपर आ चुकी है, एकदम यहाँ पर पार्क करके इंजन ऑफ और खुद गाड़ी से एग्जिट। और इस वाले भैया को हम देते हैं 50 रुपये अपनी गाड़ी को करने के लिए यहाँ पर वॉश। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका अपनी गाड़ी को लेकर शोरूम पे, और यहाँ पर आकर अब गाड़ी को, पहले तो हम शोरूम को ओपन करते हैं अपने ऑफिस को, और उसके बाद गाड़ी को लगाते हैं हम सेल के ऊपर। और ये गाड़ी मैंने ली है तकरीबन कितने की ली है मुझे खुद याद नहीं रहा, 10,000 की ली है, 850 इसके ऊपर लगी है। तो अभी मैं इस गाड़ी को 25,000 में सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है गाइस, क्या करें, बस मसला ही ऐसा है, पैसा है, चीज़ ही ऐसी है। तो इस गाड़ी का हमने सेल के ऊपर लगा दिया, और चेक कर सकते हो एकदम चमक रही है गाड़ी ये। अभी कस्टमर का वेट करते हैं, कस्टमर कोई आएगा। तो गाइस मैं इस गाड़ी को लेकर हो चुका बोर, क्योंकि मुझे काफ़ी देर इंतजार करना पड़ा इस गाड़ी, क्योंकि कस्टमर ही नहीं आ रहा गाइस। अभी बाहर चल कर देखते शायद कोई आया हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि काफ़ी देर हो चुकी है इस गाड़ी का कस्टमर हम ढूंढते हुए। खैर ये एक बंदा खड़ा तो है, हमारी किस्मत अच्छी है हमें बाहर जाने पर कुछ मिल गया, फ्यूल भी फुल है इस गाड़ी के अंदर, और 25,000 में मांग रहा हूँ, और ये बंदा 10,000 दे रहा है हमें इस गाड़ी के। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गाड़ी एकदम बोर और बकवास गाड़ी है, हम इस गाड़ी को लेकर ही गलती की। हम इस गाड़ी को 10,000 में लिया है, 10,000 में, और उसके ऊपर 800 लगाया, लेकिन ये बंदा जो है ना इस गाड़ी का सिर्फ हमें 400, मतलब के ऊपर 400 दे रहा है 10,000 के, जो कि हमें 400 का लॉस है। तो बार्गेन करके देखते हैं इस गाड़ी के साथ हम 15,000 इस गाड़ी के हम प्राइस रखते हैं, 16,000 रखते हैं गाड़ी की प्राइस, अगर ये मानता है तो ठीक है, वरना इस गाड़ी को नहीं भाई, इस बंदा ने गाड़ी नहीं लेनी है आई थिंक, तो मैं ऐसे नहीं भाई, 10,000 में दे रहा है गाड़ी, और ये कितने की दे रही है, मतलब कितने पैसे दे रही है हमें, तो 25,000 सर कितने, 11, खैर ये 11 दे रही है, इससे बाद में बात करते हैं, शायद ये ज़्यादा दे रही हो, लेकिन ये गाड़ी लेकर मैं, मुझे लग रहा है कि मैं फंस चुका हूँ पूरी तरह से, 9,000 दे रही है पहले तो निकलना। हाँ 11,000 दे रही हो आप, तो आप ज़रा आओ बात सुनो, तो टैक्स वगैरह इसके ऊपर अप्लाइड है, और 11,000, लेकिन सर एक और आ गया बंदा, इस बंदे को देखते शायद ये 12,000 दे दे हमें, वैसे आंखों से लग तो नहीं रहा मुझे। ओके सो आई नीड 11, ये उससे ज़्यादा दे रही है, तो मैं इसे सिंपली 13,000 में सेल करने की ऑफर कर देता हूँ। अगर 13,000 में सेल होगी तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं 13 में नहीं, 12,500 में कर देता हूँ मैं गाड़ी को सेल, क्योंकि मेरे पास अभी और कोई चॉइस ही नहीं है इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि इस गाड़ी को लेकर मैं फंस चुका हूँ। 15,000 का, 15,000 वैसे का वैसा है, कार मार्केट ओपन है, कार मार्केट मार्केट से कोई ना कोई गाड़ी उठा लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर फ़ौरन से चलता हूँ मैं कार मार्केट में। तो कार मार्केट में पहुंच चुका, लेकिन मुझे यहाँ पर गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी 15,000 की रेंज के अंदर। एक ये 7 तो खड़ी है, लेकिन ये भी 63,000 की दे रहा है। ये एक ट्रक खड़ा है, ये ट्रक ओनर से बात करते हैं, शायद ये हमें सस्ते में दे दे, कोई 10,000 में दे रहा है। और ये एक 10,000 वाली खड़ी है इधर, और ये एक पिकअप ट्रक खड़ा है ब्रेजी, इसका कोई 8,000 में मिल रहा है।
यार 8,000 में थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे कर लेंगे। मुझे लग रहा है कोई गाड़ी खरीदनी चाहिए मुझे। गाड़ी की सेल जो है ना वो ज्यादा है, ट्रक वगैरह, और 35,000 की ये दे रहे हैं। मतलब 35,000 डॉलर मजाक हो रहा है भाई सर इधर। और आप कितने की दे रहे हो? 55। मुझे लग रहा है मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इन लोगों के दरमियान में, बस इस ये गाड़ी को देखा। इसकी मुझे रिम बहुत अच्छी लग रही है, तो मैम आपके सामने बैठ क्यों गया हूँ मुझे ये नहीं पता, लेकिन 9,000 की दे रही है, अच्छी बात है। और मैं गाड़ी को देख लेता हूँ। तो ये जो कार हमें 9,000 की मिल रही है, एकदम अपग्रेड कार है, तो इसके अंदर कोई फ्यूल कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब कि एक तरह से ये गाड़ी फ्रेश पीस है। तो रात का टाइम हो चुका है, मैं बाय कर लेता उस गाड़ी को। मैंने बाय कर ली, इससे पहले कार मार्केट ओपन हो जाती, ओ सॉरी क्लोज हो जाती, तो मैंने फ़ौरन से गाड़ी को बाय कर लिया। बस गाड़ी स्टार्ट हो जाए यार। ओ ओ हो गई हो गई हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो गई। अभी फ़ौरन से गाड़ी को लेकर चलता हूँ मैं। तो मैं पहुँचूंगा अपने शोरूम के ऊपर गाड़ी को लेकर, यहाँ पर गाड़ी लगा रहा हूँ, ओपनिंग को यहाँ पर पार्क कर रहा हूँ, और बाद में शोरूम को ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं सॉरी, और यहाँ पर इंजन ऑफ, गाड़ी से बाहर, और शोरूम को भी क्लोज करते हैं, और फ़ौरन से चलते जाते हैं। क्योंकि मैंने नाम भी चेंज कर लिया अपना, ये चेक कर सकते हो आप लोग। और बाकी यहाँ पर ट्रैवल करते हैं, सॉरी ट्रैवल करते हैं, और अपने होम पे ऊपर, और यहाँ पर सोते हैं अभी जाकर। सो गाइज एन अदर डे, 6 डे हो चुके हैं हमें गेम के अंदर। और इन गेम के अंदर जो है, वैसे तो हमारी सेकंड वीडियो यूट्यूब के लिए, तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर इस गाड़ी को लगाता हूँ हम सेल के लिए। क्योंकि रात टाइम मैंने इस गाड़ी को अपने शोरूम पर जाकर खड़ा किया था, और जाकर मैं फ़ौरन सो गया था। तो 13,000 में लगाए गए, ज़्यादा कुछ ज़्यादा मनी नहीं लगाए गए। जितनी ज़्यादा हम पैसे लगाते थे उतने कस्टमर नहीं आते गाड़ी के। खैर ये गाड़ी अपग्रेड कोई, तो अभी इसके कस्टमर आने का वेट करते हैं हम गाड़ी के। तो गाइज मुझे लगता है इस गाड़ी के कस्टमर लेट आएंगे, पता नहीं मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कस्टमर बहुत लेट आ रही है। तो मैं फ़ौरन से चलता हूँ नेबरहुड में, वहाँ पर जाकर कुछ 6,000 में गाड़ी को ढूंढता हूँ मैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर कोई अच्छी गाड़ी मिल जाए 6,000 में हम, ताकि उस गाड़ी को लेकर हम कुछ अच्छा सा काम कर सके, अपने बिजनेस को और ज़्यादा अपग्रेड कर सके। ये सामने ट्रक खड़ा है, आई थिंक यार इस गाड़ी को सस्ते में होना चाहिए। यस मैम हेलो, डे सॉरी ये भी 16,000 में है। मुझे आई थिंक बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी गाड़ी, तो मैं फ़ौरन से गाड़ी ढूंढता हूँ यहाँ यहाँ से कोई अच्छी सी, जो कि हमें 6,000 में मिल जाए। कि ये ट्रक खड़ा है कचरे वाला, तो कुछ भी मिल जाए चलेगा अभी 6,000 की रेंज में। तो ये हमें मिल रहा है 4,300 का, तो एक्सपेंड 3,000 ये कह रहा है कि हम छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑफर करवाता हूँ 3,800 की। अभी सर आई एम थिंकिंग एक्सपेंसिव यार, क्या कर रहा है? 38 नहीं 39 ले ले यार, तो क्यों छोड़ रहा है? ऊपर 100 के लिए क्या बात है यार, आप छोड़ दो इतने पैसे बस। आई थिंक ये बेच नहीं रहा, तो मैं इस गाड़ी को लेने वाला हूँ यहाँ पर। मैंने बाय कर लिया गाड़ी, तो मैं इस गाड़ी को लेकर, तो मैं अपने ट्रक को लेकर यहाँ पर पहुँच चुका शोरूम पे, और यहाँ पर कस्टमर खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। और उस गाड़ी के अंदर काफ़ी डैमेज था, लेकिन मैंने तब देखा नहीं यार, कब ऊपर लिखा नहीं आ रहा था। तो अभी ये गाड़ी आई थिंक 13,000 में, माई फ्रेंड को सेल ओनली सेल, यस मैं इस गाड़ी को 13,000 में सेल करने वाला हूँ। और फाइनली हमारे पास 15,000 आ चुका है, और ये एक ट्रक है मेरे पास, इसके अंदर फ्यूल मैंने रिफिल कर दिया। यहाँ पर हमारे पास एक अचीवमेंट पॉइंट भी है, वो भी हम अनलॉक करते हैं। तो गाइज अपनी कार सेल करने के बाद मैं आ चुका था अपने ट्रक को लेकर यहाँ पर रिपेयर करवाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक अचीवमेंट पॉइंट भी है अनलॉक होने के लिए, जो कि हम लोग अनलॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर है बार्गेन का लेवल 2, और उसके बाद है हमारे पास एक स्पंच है, जिसके जरिए हम अपनी गाड़ियों को साफ कर सकते हैं। आई थिंक स्पंज बेहतर रहेगा, क्योंकि हम अपनी गाड़ी को व्हीकल को हमें $50 देकर साफ नहीं करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्पंज वाला मैंने खरीद लिया, यहाँ पर मतलब अपना अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। बाकी आप लोग बादल चेक कर सकते हो, कितना प्यारा मौसम है ऊपर, एकदम बादल है और हर साइड पर बादल ही बादल। और बाकी ये गाड़ी मेरी रिपेयर होने वाली होगी, मैं यहाँ पर जाकर बात कर लेता हूँ इससे। वहाँ रिपेयर हो सॉरी हाँ यहाँ पर रिपेयर हो चुकी है, 88% हो चुकी है, 89। और ये देख सकते हो कौन कौन से पार्ट इसके बहुत ज़्यादा डैमेज थे, और अभी ये बस नीचे उतारने वाला है। 3, 2, 1, 0, ये चेक कर सकते हो आप कैसे उतर रहा नीचे हमारा ट्रक। और यहाँ पे इसका ट्रक को लेकर हम फ़ौरन चलते हैं। तो यहाँ पर इंटर हो चुका ट्रक के अंदर मैं। तो गाइस अपने ट्रक को लेकर मैं पहुँच चुका हूँ अपने ऑफिस के सामने, और यहाँ पर मैंने पार्क तो कर दिया इस ट्रक को, लेकिन अभी इसे मैंने सेल पर नहीं लगाया, बस ये काम रह गया मेरा करने वाला, मैं सेल पर लगा देता हूँ ट्रक को फ़ौरन से। और रशियन ट्रक है, रशियन ट्रक, ओके। तो इस ट्रक को हम 8,000 में सेल करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा हम इस ट्रक को ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास हमने लिया भी नहीं 4,000 का लिया, और हमने उसके ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा किया है। और 8,000 में सेल करना ठीक है यार, इतना रेट बनता है हमारा, मतलब कि इतना मार्जिन तो बनता है। तो गाइस ट्रक सेल के सो गाइस ट्रक सेल के ऊपर लगाने के बाद मैं आ चुका था इस जगह पर, इस जॉब वाले से बात करने के लिए। तो नेक्स्ट इस गेम के अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें लेकर आने वाले हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ पहले हम कुछ फ्रेंड बना लें शॉप के। और ये बंदा अंदर चला गया ट्रक के, यार ट्रक डर्टी है थोड़ा सा, लेकिन ये 8,000 का मैं ऐसे बोला था, पर अभी ये 59,000 का ले रहा है, लेकिन हम 65 में से
करते थे या ट्रक को, क्योंकि हमने इतना महंगा लिया भी, 4,000 का लिया हम। और अभी आई थिंक से यार नहीं बोल रहा, 62 में देखते हैं अभी ऑफर करवा दी 62 की, शायद से ले लें। ओके, तो ट्रक सेल हो चुका है, हमारे पास 20,000 आ चुका है, जो कि आज के लिए बहुत अच्छी डील है हमारी। हमने 2 दिन के अंदर हमने 20,000 कर लिया है इस गेम के अंदर। बाकी गाइस आप लोगों को वीडियो कैसे लगी और मुझे कमेंट में बताना, इस वीडियो को आप इंजॉय कर रहे हो फिर भी मुझे कमेंट में बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।